a word that don't mean nothing. Like lifted, I sang on to what you like. And if you missed it, I'm the one who said to. दोस्तों, बर्ड्स की बात की जाए तो उनमें ऐसी ऐसी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम इससे पहले 10 पार्ट बना चुके हैं, जिसे आपने बेहद प्यार दिया। इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसे ऐसे पक्षी लेकर आए हैं जिनमें से कुछ को देखने के लिए तो सच में नसीब लगता है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को देखने को नहीं मिलते। तो आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अमेज़ोनियन रॉयल फ्लाई कैचर हमारा अगला जो बर्ड है, उसे देखते ही आप उसे अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि वो छोटा होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है, जिसका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये बर्ड कहाँ से बिलोंग करता है। ये अमेज़ोन वुडलैंड के साथ नॉर्थ और वेस्टर्न ब्राजील में पाया जाता है, जो कि करीब 15 से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इन बर्ड्स के सिर पर एक खास किस्म का क्राउन होता है, जो कि उन्हें और भी खूबसूरत दिखाने का काम करता है। स्वभाव की बात की जाए तो ये उसके मामले में काफी सोशल होते हैं, जिन्हें इंसानों के साथ इंटरेक्ट करना और खेलना पसंद होता है। ये अगर आपको कहीं दिख जाए तो बेझिझक आप इसे अपने हाथों में ले सकते हैं, जिससे ये आपको ऐसे दिखेंगे, लेकिन इसके साथ खेलने के बाद इसे फिर से अपनी जगह पर जरूर छोड़ देना। तो क्या आप भी इस क्यूट और खूबसूरत बर्ड के साथ खेलना पसंद करेंगे, हमें जरूर बताएं। ग्रे क्राउन क्रेन, अभी हम जिस बर्ड को देखने वाले हैं वो असल में अफ्रीका में पाया जाता है, और इसे काफी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अफ्रीकन क्राउन, गोल्डन क्राउन वगैरह। ये बर्ड क्रेन प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसमें दुनिया के कई खूबसूरत बर्ड्स शामिल होते हैं। ये पूरी तरह से ग्रे रंग के होते हैं, बस इनके मुंह और पंखों को छोड़कर इनके पंखों की बात की जाए तो ये व्हाइट, ब्राउन, येलो और ब्लैक रंग के होते हैं। आप अगर इनमें कुछ खास देख रहे हैं तो वो है इनका सिर, जिस पर एक गोल्डन कलर का क्राउन होता है, जो कि उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इनके गले के पास और माथे पर रेड कलर की स्किन होती है, और आप इनकी आंखों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नीले रंग की होती हैं। ये लार्ज साइज बर्ड हैं, जिनकी हाइट की बात की जाए तो ये 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और इनका वजन करीब 3.5 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। ये इतने खूबसूरत पक्षी होने के कारण इन्हें युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। ये इंसानों के साथ भी फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें आप खाना दे तो ये आपके पास आ सकते हैं। अगर आपको इस खूबसूरत और नायाब पक्षी को देखने का मौका मिल जाए तो क्या आप भी इस बर्ड से मिलना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड। वो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, इस बर्ड के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। ये बर्ड अमेरिका से बिलोंग करता है, जिसका वजन जानने के बाद आप सभी शॉक होने वाले हैं, क्योंकि ये बर्ड सिर्फ 5 ग्राम का ही होता है, जो की एक सिंगल पेपर शीट के बराबर है। लेकिन इसके कम वजन पर बिल्कुल मत जाइए जनाब, क्योंकि कई बर्ड जो काम नहीं कर पाते, ये बर्ड वो काम आसानी से कर लेता है। मतलब कि ये बर्ड बिना रुके नॉनस्टॉप 800 किलोमीटर की मंजिल तय कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। इतना ही नहीं, ये इकलौते ऐसे बर्ड हैं जो बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं। खाने की बात की जाए तो इस बर्ड को फूलों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना काफी पसंद होता है, जिसकी वजह से ये एक दिन में करीब 1000 से भी ज्यादा फूलों के कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, जो कि कभी कभार इसके वजन से दुगना भी होता है। इनके एग्स यानी कि अंडे काफी छोटे होते हैं, जो कि एक छोटी सी टॉफी की तरह दिखाई देते हैं, और इसे हैच होने के करीब 12 से 15 दिनों का वक्त लगता है। हमिंग बर्ड हमें काफी सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जो एक से बढ़कर एक कलरफुल होते हैं। तो देखा आपने, ये बर्ड इतने छोटे होने के बावजूद कितने ज्यादा सुंदर भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन्हें अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस क्यूट और कलरफुल बर्ड को पालना चाहेंगे, नीचे कॉमेंट में जरूर बताए। नेक्स्ट इज लाइलक ब्रेस्टेड रोलर बर्ड। इस बर्ड को देखते ही आप उसकी ओर आकर्षित होने वाले हैं, क्योंकि ये दिखते ही इतने सुंदर हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर सूखे पेड़ों पर ही देखने को मिल सकते हैं, और वहीं पर ये अपना घोंसला भी बनाते हैं। इन्हें अकेले रहना ही ज्यादा पसंद होता है। ये जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही आक्रामक किस्म का इनका स्वभाव भी होता है, इसीलिए ये इंसानों से तो काफी दूर रहना पसंद करते हैं। आपको अगर नसीब से ये बर्ड कहीं दिख जाए तो इसे देख जरूर लेना, क्योंकि ये बहुत रेयर है। इनमें आपको पर्पल, स्काई ब्लू, ऑरेंज, डार्क ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, इतने सारे रंग देखने को मिल सकते हैं। इनकी खूबसूरती के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट इज रेड कैप मानाकिन। इस बर्ड को देखते ही आपको पता चल चुका होगा कि इसका नाम ऐसा आखिर क्यों रखा गया है। इसके सिर पर ये लाल रंग होता है, जिसे रेड कैप कहा गया है, और उसी की वजह से इसका नाम भी कुछ इस तरह का है।
ये बर्ड कोलंबिया मैक्सिको जैसे देशों के लॉलैंड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जिनका वजन सिर्फ 16 ग्राम और साइज करीब 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकती है। अब जरा इस बर्ड का डांस भी देख लीजिए। ये बर्ड तो सीधा हिप हॉप का फैन लगता है जो मून वॉक कर रहा है, वो भी इतनी तेजी से। इनमें हमें ब्लू मोनाकिन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को अपने मूव्स दिखाते हैं जैसे कोई डांस बैटल चल रहा हो। नेक्स्ट इज फिस्चर टुराको। अभी हम जिस बर्ड को देख रहे हैं वो केन्या, सोमालिया और तंजानिया इन जैसे देशों में पाया जाता है, लेकिन अभी देखा जाए तो ये पक्षी काफी जगहों पर देखने के लिए मिल सकता है, जिसका कारण इनकी खूबसूरती है, जिस वजह से काफी लोग इन्हें अपने घरों में पालने का शौक भी रखते हैं। और ये बर्ड भी लोगों के साथ काफी बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं। रंगों की बात की जाए तो इनमें हरे रंग के साथ साथ गहरा नीला रंग भी देखने को मिलता है। देखने को तो उनके पास हमें व्हाइट कलर के लाइनिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये बाकियों से अलग और खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 12 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 12 लिखकर जरूर बताएं। और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट इज ड्रैकुला पैरट, जिसे वल्चरीन पैरट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमें न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। इन्हें ड्रैकुला पैरट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इनके रंगों को देखेंगे तो ये ड्रैकुला के रेस के रंगों से मैच करता है। ये पैरट 18 इंचेस तक बढ़ सकते हैं और इनके वजन को अगर हम देखें तो ये करीब 700 से 800 ग्राम तक का होता है। ये दिखने में थोड़े बहुत डरावने जरूर लग रहे हो, लेकिन इनका स्वभाव एक आम पैरट की तरह होता है, लेकिन इन्हें पहली नजर में देखने के बाद ये पैरट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगते। नेक्स्ट इज लॉन्ग टेल टीट। हमारे इस वाले बर्ड की हाइट जितनी कम है उतनी ही ज्यादा क्यूट की दिखाई देते हैं, जिस वजह से इसे दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ये बर्ड यूरोप में पाया जाता है, जिसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 इंचेस तक ही बढ़ सकती है, और इसकी पूंछ को अगर हम देखें तो वो 3 इंचेस की होती है। इतना ही नहीं, इस पक्षी का शरीर राउंड यानी कि गोलाकार होता है, जो कि दिखने में काफी प्यारा लगता है, और इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अपने घर में पालना पसंद करते हैं। ये बर्ड बिल्कुल किसी कॉटन बॉल जैसा लगता है और उनकी आंखें भी छोटी और गोल होती हैं, जिसकी वजह से ये और भी प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक हेरॉन। हमने अभी तक काफी अलग अलग रंगों के पक्षी देखे जो कि बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन हमारा अगला जो पक्षी है वो दिखने में अलग होने के साथ साथ काफी रेयर भी है, क्योंकि काफी कम लोगों ने ही इसे अभी तक देखा है। ये बर्ड मेडागास्कर और इटली में पाए जाते हैं, जहाँ पर तालाब होते हैं वहाँ ये बर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, जो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं और शिकार भी अकेले ही करते हैं, लेकिन जरा अलग तरीके से। ये जो इस बर्ड ने अपने पंखों को गोलाकार आकार में खोला है, ये इनकी खासियत है। लेकिन ये बर्ड ऐसा क्यों करते हैं? काफी लोगों को ये लगा होगा कि ये बर्ड काफी शर्मीले हैं, इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब अपने पंख खोलते हैं तब ये अपना शिकार पकड़ रहे होते हैं, और ऐसा करते समय इनके पंख छाते की तरह नजर आते हैं, इसीलिए काफी लोग इस बर्ड को अम्ब्रेला बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर इन्हें इस तरह कोई देख ले तो ये बिल्कुल भी किसी बर्ड की तरह नहीं लगेंगे। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को कौन नहीं जानता, हम बचपन से ही इस पक्षी के बारे में सुनते आ रहे हैं, जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, लेकिन हम आपको इसके बारे में कुछ अलग बातें भी बताएंगे। जैसे ही ऑस्ट्रिच की जो आंखें हैं वो करीब 2 इंचेस तक बड़ी होती हैं, जो सारे बर्ड्स में सबसे बड़ी है, और इस वजह से इनकी देखने की शक्ति बाकियों से काफी ज्यादा होती है। ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों के साथ साथ आकार में भी सबसे बड़े होते हैं, जिनके हाइट इंसानों से भी ज्यादा करीब 10 फीट तक बढ़ सकती है। इन्हें सामने से देखने पर आपको डायनासोर वाली फीलिंग तो जरूर आएंगी। हमने ऐसा कहा है इसलिए आप इसके सामने जाकर खड़े मत हो जाना, क्योंकि ये गुस्सा आने पर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक रिसर्च से ऐसा भी साबित हुआ है कि ऑस्ट्रिच की एक पावरफुल किक शेर को भी मार गिरा सकती है, लेकिन ये काफी फनी और क्यूट भी होते हैं, जिन्हें काफी लोग अपने पास रखते भी हैं। ये इतने बड़े होने की वजह से इनकी राइड भी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो ऑस्ट्रिच रेस भी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो क्या आपको भी ऑस्ट्रिच राइड करनी है? हमें जरूर बताएं, लेकिन हाँ, किसी वाइल्ड ऑस्ट्रिच पर मत बैठ जाना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दें, और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी लोग इन नया पंछियों को देख पाएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।